खबर सीहोर मध्य प्रदेश से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले के बुधनी पहुंचे, जहां पर बुधनी नगर के पार्षद में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया और एक विशाल सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि बुधनी के नर्मदा मैया को साफ एवं शुद्ध रखने के लिए एक जल ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। शौचालय आदि से निकलने वाले गंदे पानी शुद्धकरण और अन्य उपयोग में लाया जाएगा। वहीं कहा कि नर्मदा मैया को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखा जाएगा। इसी के साथ सीएम मुख्यमंत्री ने सरकार की अनेकों योजनाएं गिनाई, जनता से भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए चंद्र सिंह बागवान, सीहोर मध्य प्रदेश। आप क्रमशः जाएंगे राजेंद्र भाई साहब, यहाँ से जिला हो आप सब क्रमशः धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे और मेरा कार्यक्रम कमल के सामने के बटन बनाएंगे। नरेंद्र मोदी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी योजना और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं उनका लाभ ठीक से मिले नगरों में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताएं, आम जनता जिताए, जनता